हेलो दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि कई दिनों से पश्चिम मुंबई को पूर्वी मुंबई से जोड़ने के लिए एक नेशनल पार्क के नीचे से सुरंग बनाने का विचार चल रहा था और उसके बारे में कई सारे खबरें भी निकलकर सामने आई थी। पर आज उस प्रोजेक्ट के बारे में एक ठोस कदम उठाया गया है और उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले है। वेस्टर्न मुंबई में स्थित गोरेगांव को ईस्टर्न मुंबई के मुलुंड से जोड़ने के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चलाया जाने वाला है, जिसे गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड भी कहा जाता है। और इसी प्रोजेक्ट का भूमि पूजन महाराष्ट्र के विद्यमान मंत्री श्री आदित्य ठाकरे जी के हाथों से किया गया। इस प्रोजेक्ट के तहत कई सारे प्रोजेक्ट्स को चलाया जाने वाला है, जिसके तहत दो फ्लाईओवर्स, दो टनल्स और रोड एक्सपेंशन का काम किया जाएगा। उसमें से सबसे पहला फ्लाईओवर गोरेगांव में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से शुरू होकर फिल्म सिटी तक जाने वाला है और उसके बाद दो टनल्स का निर्माण किया जाएगा, जिसमें से सबसे पहला टनल 4.75 किलोमीटर लंबा होगा और दूसरा टनल 1.6 किलोमीटर लंबा होने वाला है। और उसके बाद दूसरा फ्लाईओवर मुलुंड से शुरू होकर ऐरोली चेकनाका की तरफ जाने वाला है। और इन सारे इनिशिएटिव्स के अलावा इसमें 2 किलोमीटर का रोड ऐसा भी होगा जिसकी चौड़ाई बढ़ाई जाने वाली है। यह पूरा रोड 10 लेन का बनाया जाएगा, जिसमें से 5 लेन जाने के लिए और 5 लेन आने के लिए होंगी। अगर हम इस प्रोजेक्ट के स्टेटस के बारे में बात करें तो 14 मार्च को ही इन फ्लाईओवर्स का काम शुरू कर दिया गया था। और अगर टनल्स के बारे में बात करें तो अगस्त महीने तक इसके कार्य को जारी कर दिया जाएगा और टनल के निर्माण का काम फरवरी 2023 से शुरू होने वाला है। और इस टनल के निर्माण के लिए TBM मशीन का उपयोग किया जाने वाला है, जिसे अभी इस वक्त मेट्रो लाइन 3 में किया जा रहा है। अगर हम इस प्रोजेक्ट के बजट के बारे में बात करें तो इसे कुल 8000 करोड़ में बनाया जाएगा, जिसमें बनाया जाने वाला टनल कुल 19 हेक्टर नेशनल पार्क की जमीन के नीचे से होकर गुजरने वाला है। यह टनल जमीन के स्तर के 20 मीटर नीचे से लेकर 200 मीटर नीचे तक जाने वाला है। इस प्रोजेक्ट की कुल लंबाई 12 किलोमीटर की होगी। अगर आपको इस वक्त मुलुंड से गोरेगांव की तरफ यात्रा करनी हो तो लगभग 80 मिनट का समय लग जाता है, और यह प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद आप यही यात्रा सिर्फ 20 मिनट में पूरी कर पाओगे। और अगर हम इस प्रोजेक्ट के टाइमलाइन के बारे में बात करें तो ऐसा माना जाता है कि इन टनल्स का काम 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा और दिसंबर 2026 तक यह सड़क पूरी तरीके से रेडी कर दी जाएगी। तो दोस्तों, आप इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोचते हो, यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।